हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट्स। उसके अंदर हमने अलग अलग टाइप की शीट्स देखी थी, जिसके अंदर हमारी पॉजिटिव चार्ज शीट थी और दो अपोजिट चार्ज शीट थी। उसके लिए हमने अलग अलग स्पेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। कि अगर हमारे पास अब सीट की बजाय एक स्फेरिकल सेल हो और वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब देखिए, स्फेरिकल सेल का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल का मतलब तो सफीरा समझते हैं। अब जो सेल वर्ड है, अब देखो यहाँ पे एक तो सिंपल वर्ड होता सफीर, अब ये किसके सामने लगे हुआ सेल, इसमें डिफरेंस क्या है? सेल जो होता है वो अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, और जो हमारा सॉलिड सफीर होता है वो अंदर से हमारा भरा हुआ होता है। क्लियर है? तो सेल को आप इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो जो सिक्सर वाली गेंद होती है जो अंदर से खाली होती है वो आपका एक सेल होगा, और जो वुड्स वाली गेंद होती है जो पूरी भरी होती है, सॉलिड होती है, वो आपका सॉलिड सफीर होता है। क्लियर है? तो इस स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी फिगर। देखिए, ये आपके पास एक सफीर है जिसका सेंटर ओ पॉइंट के ऊपर है, और इसकी जो ये रेडियस आपके पास ये कैपिटल आर है। ये यहाँ तक का ये आपके पास सफीर दिखाया हुआ है, ये आपका सफीर है। अब इस सफीर के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले तो ये पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जनरली सारे केस बनाएंगे जिसमें इसका हर पॉइंट कवर हो जाए। तो देखो, ये इस स्पेस में कहीं भी हम पॉइंट लें तो ये स्पेस हमारा कहाँ है, हमारे इस सफीयर जो सफीरिकल सेल है इससे बाहर है। तो हम एक जनरल केस निकाल देंगे कि अगर हमारे सफीरिकल सेल से बाहर कहीं कोई पॉइंट हो तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरा केस हम ये ले लेंगे कि अगर हमारा वो पॉइंट इस सफीयर के ऊपर ही हो, ये जो हमारा सफीरिकल सेल है इसके सरफेस पे हमारा पॉइंट हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उसके लिए हमारा ये पूरा सरफेस एरिया कवर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम वो निकालेंगे कि अगर हमारा पॉइंट इस स्फेरिकल सेल के अंदर हो, अंदर कहीं भी हो सकता है इन पोजीशंस पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये तीनों के तीनों केस हम निकालेंगे। तो देखिए, जब अंदर वाला निकालेंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, एट द सरफेस निकालेंगे तो ये कवर हो जाएगा, और सरफेस से बाहर निकालेंगे तो आपका ये पूरा एरिया जो है कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तीन केसेस के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पहला केस हम करते हैं कि जब हमारा पॉइंट इलेक्ट्रिक जो हमारा स्फेरिकल सेल है उससे बाहर हो, पॉइंट पी इज आउटसाइड फ्रॉम द स्फेरिकल सेल, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए, ये पॉइंट पी यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। अब इस बुक के अकॉर्डिंग हम चलें तो ये पॉइंट पी हमने यहाँ मानना है, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हम एक गार्जियन सरफेस मानेंगे जिसके लिए इस पॉइंट को अगर हम उस सरफेस पे कहीं भी रखें तो हर जगह हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी आए, सेम आए। क्लियर है? तो हम ये गार्जियन सरफेस बनाते हैं, ये अपना गार्जियन सरफेस बनेगा। इसके लिए स्फेरिकल सेल है तो ये भी हमारा एक स्फेरिकल सेल की फॉर्म में बनेगा। यहाँ पे हमारा इसका पॉइंट पी है। जो हमारा स्फेरिकल सेल है, मान लेते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, मतलब जैसे इसकी रेडियस है उसी की डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलेंगी। तो अगर हम इस गार्जियन सरफेस पे कहीं भी पॉइंट लें तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, बाहर की तरफ। अब हमने पॉइंट कहाँ लिया हुआ है, ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ होगी। क्लियर है? हमारा जो सफीर है, हम मान लेते हैं इस सफीर के ऊपर चार्ज क्या है। अब सफीर का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर होगी, चार्ज बाई एरिया। क्लियर है? हमारे स्फेरिकल सेल का एरिया कितना है, तो एरिया आप निकालोगे तो सफीर का एरिया कितना होता है, फोर पाई, रेडियस कैपिटल आर है तो फोर पाई आर स्क्वेयर। अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें तो सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर, इसकी जो है आप इक्वेशन फर्स्ट बना के इसको छोड़ सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ से आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस एरिया वाले क्यों ली, वॉल्यूम वाले क्यों नहीं ली, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो इस सफीयर के सिर्फ सरफेस के ऊपर है, अंदर से तो ये खोखला है, खाली है, इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है।
अगर ये पूरा सॉलिड होता फिर हमारा चार्ज इस पर हर जगह होता, फिर हम चार्ज डेंसिटी जो है वॉल्यूम की टर्म में लेते। क्लियर है ये बात आपको? तो चलिए मैथमेटिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, कि जब हमारा ये पॉइंट पी स्फेरिकल सेल से बाहर लाई करता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसने जो हमारा सरफेस है उसके लिए चार्ज निकाला है क्यू 4πr² σ। क्लियर है? अब हमारा जो गार्जियन सरफेस है वो हम मान लेते हैं हमारे इस स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, स्मॉल r। क्लियर है? अब ये भी हमारा कैसा है, स्फीयर ही बना है हमारा होलोस्फीयर, तो हमें जिस सरफेस एरिया के ऊपर फ्लक्स चाहिए होगा, फ्लक्स के लिए अपने को फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में उसका एरिया। तो एरिया निकालेंगे इस स्फीयर का, गार्जियन सरफेस वाले का, तो रेडियस किसकी यूज करेंगे, इस गार्जियन सरफेस के स्फीयर की रेडियस ही यूज करेंगे, क्योंकि ये रेडियस तो हमारी इस अंदर वाले स्फीयर की थी। अब एरिया बाहर वाले का निकालना है तो रेडियस भी किसकी होगी, बाहर वाले की। तो रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल आर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी, यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाली। इस केस में रेडियस किसकी होगी, जो हमारा स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज है वो वाला, कैपिटल आर वाला। क्लियर है? इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गार्जियन सरफेस, कि हमारा जो गार्जियन सरफेस ये बाहर बना हुआ है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई इनटू में इसका सरफेस एरिया 4πr². इसको बना दो इक्वेशन सेकंड। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। हमें पता गॉस थ्योरम क्या बताती है, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस पे वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। चार्ज कौन सा, जो सरफेस के ऊपर चार्ज है क्या, वो बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड कैसी हैं, इक्वल, तो राइट हैंड साइड को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, या लिख सकते हो इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड, तो ये वाली टर्म हमारी इसके इक्वल आएगी। अब हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो ये 4πr² वाली टर्म है इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, ये आपकी जो है इधर डिवाइड में आ जाती है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आएगी किसी भी पॉइंट के लिए जो आपके स्फेरिकल सेल से बाहर लाई करता हो, उस केस में इसकी ये वैल्यू होगी। यहाँ से आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है? तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, मतलब हम स्फेरिकल सेल से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कल वाला केस जो हमने किया था सीट वाले केस में, वहां हमने देखा था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं सेकंड केस पे, जब हमारा पॉइंट पी स्फेरिकल सेल के सरफेस पे ही लाई करता हो। देखिए ये हमारा स्फेरिकल सेल था, ये इसका सेंटर। अब हमारा पॉइंट पी यहां से उठ के यहां आ जाए, खुद इसी के सरफेस पे आ जाए, तो जो हमारा ये स्फेरिकल सेल है ये खुद ही हमारा गार्जियन सरफेस हो जाएगा, क्योंकि इसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, एक जैसा होगा। क्लियर है? तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहां पे हम फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। अब एरिया किसका, इस खुद स्फीयर का, इसका एरिया कितना है, 4πr², तो ई इंटू 4πr² इसकी वैल्यू। गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो फ्लक्स किसके बराबर, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का इक्वल रखेंगे तो इसने डायरेक्ट ये वैल्यू रख दी, दोनों को इसने डायरेक्टली इक्वल रख दिया। अब मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 4πr² को उठा के कहाँ ले जाओ, इधर ले आओ, तो ये कहाँ चला जाएगा, क्यू के डिवाइड में, ये हो जाएगा क्यू बाई 4πr² और साथ में इसका एप्सिलॉन नोट, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है? अब देखिए इस केस में हमारा क्या हुआ, जो स्मॉल आर था वो हमारा किसके इक्वल बन चुका है, कैपिटल आर के। स्मॉल आर क्या था, देखिए ये हमारा स्फीयर था, ये इसकी रेडियस थी कैपिटल आर। स्मॉल आर हमारा क्या था, इसी सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। अब ये पॉइंट पी यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया तो स्मॉल आर और कैपिटल आर आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसको आप अगर आपको MCQ में करना हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली जहाँ पे स्मॉल आर था उसको रिप्लेस कर दोगे कैपिटल आर से। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करो, देखो क्यू की वैल्यू पुट कर दो। क्यू की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही निकाली थी, सिग्मा 4πr², इसको रखेंगे तो जो नीचे वाला ये 4πr² है हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बच जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार की वैल्यू आपसे MCQ क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल सेल हो तो उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और आपको ऑप्शन में ये देने की बजाय ये वैल्यू दे देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आई कैसे है, हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है?
इसके बाद हमारा नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है इसका कि अगर हमारा पॉइंट पी, देखो सबसे पहले हमने यहाँ इससे बाहर देखा, दूसरे केस में हमने इसके सरफेस पे देखा, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा ये पॉइंट पी इसके अंदर चला जाए स्फीयर के, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये देखिए, ये हमारा पॉइंट पी यहाँ से चल के यहाँ आया, अब हमारा ये पॉइंट पी यहाँ पहुँच चुका है, ये हमारा स्फीयर है और ये इसके अंदर हमारा पॉइंट पी है। तो अब इस पॉइंट पी के लिए हम गॉसियन सरफेस मानेंगे, ये यहाँ पे एक और होलोस्फीयर हमने बनाया, इसके अंदर इसकी जो डिस्टेंस है या जो रेडियस है वो कैसी मानी हमने, स्मॉल आर, और जो ओरिजिनल स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। क्लियर है। अब देखिए, हमारा जो ये स्फेरिकल सेल है इसके ऊपर चार्ज यहाँ है पूरा, चार्ज को मूव करने के लिए कंडक्टर चाहिए, इसके अंदर तो खाली जगह है, तो यहाँ पे जो अपनी जगह है इसके अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी है, जीरो है, चार्ज तो इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि सरफेस से चार्ज को यहाँ तक आने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए, आने के लिए एयर में तो ये जो है मूव नहीं कर सकता। तो देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली जो हमारे स्फीयर के अंदर जो गॉसियन स्फीयर है उसके लिए, तो इसका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लाई हम ये करवाते आ रहे हैं, करवा दी इक्वेशन फर्स्ट, गॉस थ्योरम अप्लाई की तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, इसके बराबर, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, इक्वल रखा हमने। तो देखिए जैसे ही इक्वल रखेंगे हम इनको, तो हमारे पास ये टर्म इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में 4πr². अब देखिए जो चार्ज क्यू है, उस चार्ज क्यू की वैल्यू हमारे गॉसियन सरफेस के लिए कितनी है, जीरो है, उसके अंदर हमारा कोई भी जो चार्ज है वो लाई ही नहीं करता। तो अगर हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, तो क्यू की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, जीरो, जीरो के नीचे कोई भी टर्म हो तो वो क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, जीरो। तो E इंटू 4πr² किसके इक्वल आया, जीरो के। अब इस टर्म को उठा के इधर लेके जाएंगे जीरो के नीचे, तो जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई होलो स्फीयर हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ये आपकी टर्म इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई मेटल हो, कोई कंडक्टर हो, होलो कंडक्टर हो, तो उसके अंदर, होलो की बात हो रही है, होलो मेटल या होलो कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो है। इसकी एप्लीकेशन भी होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपको ये बोला जाता है कि जब बारिश होती है और जो लाइटनिंग होती है आसमान में, उस टाइम पे आप गाड़ी के अंदर रहें तो आप सेफ रहेंगे। क्यों रहेंगे सेफ, क्योंकि जो आपकी कार है वो मेटल की बनी हुई है, अंदर से खोखली है, तो उसके अंदर आपका हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो उसके ऊपर, आपके ऊपर जो लाइटनिंग है उसकी, आपके ऊपर बिजली के गिरने की संभावना नहीं रहती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आपका स्मॉल आर छोटा हो जाता है कैपिटल आर से, जब कैपिटल आर तो स्फीयर की रेडियस, स्मॉल आर आप इसके अंदर चले गए हैं, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो है। तो हमने तीनों केस देख लिए। अब इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो डिस्टेंस स्मॉल आर के साथ किस प्रकार से वेरिएशन। तो देखिए ये आपके पास ग्राफ है, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से वेरी होता है स्मॉल आर के साथ। इस एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है और ये एक्सिस जो आपकी है स्मॉल आर को दिखाती है। अब जब हमने ये देखा, ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर है, होलोस्फीयर, जब हमारा पॉइंट इसके अंदर है, अगर इसके सेंटर पे हो तो यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, जीरो। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाएं, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, जीरो, और आगे जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, जीरो। कब तक, जब तक हम इसके सरफेस पे ना जाएं, सरफेस पे ना जाएं इसका मतलब रेडियस आर के बराबर डिस्टेंस पे ना आए, तो जब तक हम इस डिस्टेंस आर पे नहीं आते हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्लियर है। इसको आप, इसने समझाया होगा कि अगर इसको आप स्फीयर माने तो जब तक आप इसके सरफेस पे नहीं आओगे तब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। ये अभी हम लास्ट केस में करके आए हैं। जैसे ही इसके सरफेस के ऊपर हम आए, सरफेस के ऊपर आते ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ये वैल्यू आपने देखी थी, कैपिटल आर का स्केयर था नीचे, मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि आर की वैल्यू जो है इससे बड़ी नहीं होगी, कैपिटल आर की वैल्यू इससे बड़ी ना हो सकती ना इससे छोटी हो सकती। अगर इसे छोटा लेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम रहेगा। अगर हम इससे बड़ी डिस्टेंस लें तो देखिए जो स्मॉल आर आएगा आगे वो कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब नीचे वाली टर्म बढ़ जाएगी तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इसके बाद जैसे जैसे हमारी ये डिस्टेंस स्मॉल आर बढ़ेगी,
जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और इस प्रकार से लगातार डिस्टेंस बढ़ेगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और अगर हम इसको दिखाएं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जाके ये जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है। ये आपका रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आर के साथ कैसे होती है स्फेरिकल सेल के लिए। क्लियर है, यहाँ तक आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो हाफ कंप्लीट हो चुकी है। अब उसका लास्ट और सेकंड जो चैप्टर रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।